मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने है और दोनों ही बड़े दल एक दूसरे को बैकफुट पर धकेलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस पर हार के डर से निकाय चुनाव को टालने का गंभीर आरोप लगा रही है, तो सरकार प्रशासनिक कार्य का हवाला देकर विपक्ष के इन तमाम आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बता रही है। देखिए कैसे हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में निकाय पर नाटक, इस साल नहीं होंगे चुनाव, क्या मोदी फैक्टर से घबरा रही है सरकार? बड़ा सवाल, महापौर और अध्यक्षों का चुनाव पार्षद से कराने की मंशा के पीछे क्या है मकसद? शिवराज सरकार को उखाड़ फेंक 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबू होने वाली कांग्रेस फिलहाल कुछ हैरान और परेशान लग रही है। ऐसा क्यों है, इसे लेकर तमाम बातें हो रही है। हालांकि जो बड़ी वजह है वो शायद मोदी सरकार है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में कई बड़े फैसले, खासकर धारा 370 को समाप्त कर जो इतिहास रचा है, उससे सभी विपक्षी दल के होश भागता है। वहीं मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज कांग्रेस इस बात को अच्छे से समझ रही है कि अगर हाल फिलहाल निकाय चुनाव होते हैं तो मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों के बाद फायदा बीजेपी को हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस थोड़ा वक्त चाहती है, लिहाजा तमाम बैच फंसाकर निकाय चुनाव 2020 तक ले जाए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के मुताबिक सरकार राज्य की नगरीय स्वायत्तता को कुचलने का काम कर रही है, उसे हार का डर है, इसलिए निकाय चुनाव टाले जा रहे हैं। स्थानीय निकाय के आगामी चुनाव जो अभी नवंबर माह में, नवंबर दिसंबर में सामने आ रहे थे, जो अभी इन्होंने अपने आदेश पत्र निकाले हैं उसके हिसाब से ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये उसको टालने का प्रयास कर रहे हैं। इनके मन में भीषण डर है आगामी चुनावों में हार का, और किसी न किसी तरह से ये चुनाव टल जाए और उन निकायों में ये प्रशासक बैठा लें, ये कांग्रेस की कोशिश है। जानकारी के मुताबिक मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद की समिति ने महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी कि पार्षदों के माध्यम से कराने की सिफारिश की है। अभी पार्षदों के साथ महापौर के लिए भी मतदाता मतदान करते हैं। कांग्रेस की इस नई मंशा पर भी बीजेपी अब आक्रामक हो गई है। ये एक तरफ तो चुनावों को टालकर प्रशासक बैठाना चाह रहे हैं, वहीं उसके साथ साथ जो अभी तक हमारी पद्धति रही है स्थानीय निकाय चुनाव में, ये नहीं चाहते कि चुनाव महापौर के, नगर निगम अध्यक्ष के, नगर पालिका अध्यक्ष के डायरेक्ट पद्धति से हो, ये इनडायरेक्ट पद्धति से चुनाव कराना चाहते हैं। अब ये सीधे मतदाताओं के द्वारा ना होके बल्कि पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष और महापौर का चुनाव, इससे हार्स ट्रेडिंग होगी, खरीद फरोख की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, बल्कि निकाय चुनाव में देरी के साथ महापौर और अध्यक्षों का चुनाव जनता की जगह पार्षदों से कराने की मंशा को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। हालांकि कांग्रेस का इस पर अपना तर्क है, उनका कहना है कि निकाय चुनाव का होना या टलना प्रशासनिक कार्य है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए उसे कई सवालों का जवाब भी मांगा है। अगले चुनाव की तारीख जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिवर्तन की जा रही है, बढ़ाई गई है आगे, और प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण से किया गया, ऐसे निर्णय प्रशासन में होते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी खुद ही डरी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई ठिकाना नहीं है इस वक्त, जो है हलकंप मचा हुआ है। तो इनसे ये सवाल जो है मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी एन विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सिंह जी ने मंडी चुनाव की तारीखें आगे बढ़ा दी थी, मंडी चुनाव नहीं करवाए इन्होंने, इसके बाद जो है सहकारिता के चुनाव नहीं करवाए, तो शिवराज सिंह जी किससे डरे हुए थे और राकेश सिंह किससे डरे हुए थे, इस बात का जवाब दे दें। निकाय चुनाव पर सरकार को घेरने का बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी विपक्ष के हर वार पर करारा पलटवार कर रही है। खैर, हार का डर हो या फिर प्रशासनिक कार्य, लेकिन यह तय है कि निकाय चुनाव अब इस साल तो नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या 2020 में कांग्रेस निकाय चुनाव आसानी से जीत लेगी? क्या अब तक मोदी फैक्टर हवा हो जाएगा?
साथ ही एक अहम सवाल ये भी है कि क्या महापौर अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों से कराने के पीछे कांग्रेस की जो मंशा है उसमें उसे कामयाबी मिलेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।